Fix Olek. Fix the leak with Molek. Waterproofing consultant. We provide waterproofing consultancy service pan India. लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो इंडियन के पूरे मार्केट में इंडिया में जो एक्सपेंशन जॉइंट्स जो हो रहे हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके जो सिस्टम्स हो रहे हैं, टीपी मेम्ब्रेन से हो रहे हैं, कहीं कोई प्रोफाइल की सीट से हो रहे हैं, फ्लैक्स से हो रहे हैं, पीपी लाइनर सीट से हो रहा है, उसके कॉम्बिनेशन में ये अभी हो रहा है। उससे पहले पुराने में तो हम नहीं जा रहे कि जिसमें सिर्फ पॉलीसल्फाइड सीलेंट भरते थे, फिर पी यू सीलेंट और फिर जेली बोर्ड था, फिर अभी HD 100 आया उसके ऊपर पी यू सीलेंट भरते हैं, फिर ये जो जॉइंट्स हो रहे हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी हम साइड में रखे, उससे पहले की भी बीच में टेक्नोलॉजी जो हमारी APP मेम्ब्रेन से भी कभी करते थे, अभी वो काफ़ी हद तक की उससे बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आई वो। और ये जो भी आप जो कर रहे हो, डीसील जो मार्केट में प्रमोट कर रहा है, जो वो कितनी रेंज में, इनिशियल अप्रोक्सीमेट कितनी रेंज क्या कितना गुना अभी के हिसाब से महंगा होता है अभी के बेस सिस्टम और आपकी जो सिस्टम? तो ये महंगी की कॉस्ट का इसमें रोल नहीं है। जो पहले जो टेक्नोलॉजी आती थी वो एक्सपेंशन जॉइंट जो हमारे पहले अब तक हुआ करते थे उनका गैप ही 20 mm से लेके मैक्सिमम 50 mm तक का हुआ करता था। अब तक जो पुराने टाइम में हमारे जितने भी पुराने बिल्डिंग में गैप देखे वो अप्रोक्सीमेट अब तो 50 mm हुआ करते थे, और 50 mm का गैप आसानी से पॉलीसल्फाइड से या बैटर से ठीक किया जा सकता। वो लेकिन जो क्योंकि हमारे स्पैन बहुत बड़े बड़े हैं तो उसमें एक्सपेंशन जॉइंट गैप जो है वो ऑन एवरेज 50 mm से लेके और 300 mm तक के गैप भी हैं। फ्लोर गैप या हॉरिजॉन्टल गैप की बात करूँ वो भी 300 mm तक के हैं। तो 300 mm का गैप जो है वो EPDM या उससे नहीं भरा जाता। इसके लिए ये मैकेनिकल प्रोफाइल्स यूज़ होती हैं जो उसकी स्ट्रेंथ को भी मेंटेन बरकरार रखती हैं और उसका एस्थेटिक लुक को भी बरकरार रखती हैं, और उसके नीचे जो हम लोग सिस्टम लगाते हैं वाटर बैरियर वगैरह वो वाटरप्रूफिंग का काम है। माने एट द एंड ऑफ द कंप्लीट सिस्टम इट इज ऑलवेज चीपर, ऑलवेज चीपर, ऑलवेज चीपर, एंड रादर देन दैट इट गिव्स यू अ लास्ट लॉन्ग सर्विस लाइफ रादर देन द अदर मेम्ब्रेन व्हिच एट द टाइम गोज या एनीथिंग हैपेंस तो वो डिटैच हो जाती है या उसकी बॉन्डिंग छूट जाती है, दैट विल नॉट एट ऑल इन दिस केस। क्या होता है कई बार, ये मैं आपसे एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि कुछ लोग जो कॉस्ट की वजह से अनजान लोगों से कुछ एक एक्सपेंशन जॉइंट का काम करवा भी लेते हैं और फिर उनको दिक्कत होती है, तो वो थोड़ा चीप टाइप एडहेसिव चीप क्वालिटी की शीट वगैरह नीचे यूज़ करते हैं, वो लोग अनप्रोफेशनल लोग होते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन से अगर काम करेंगे तो ये एक बार EPDM सील लगा प्रॉपर लग जाए तो ये कभी छूटती नहीं है। इनके जो एडहेसिव्स हैं ये MC बॉश में जर्मन जैसे कंपनी BASF CK31C ये सिलेक्टेड कुछ ब्रांड्स आते हैं जिनका पर्टिकुलर इसी काम के लिए वो एडहेसिव बने हुए हैं। नॉर्मल प्राइस थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन ये बड़े ड्यूरेबल होते हैं। और लेकिन जो कुछ नाड़ी लोग होते हैं वो उसमें डिलाइट का SR से भी वो चिपका देते हैं तो वो उखड़ना उसका उखड़ना नेचुरली है। तो इस तरीके से अगर कोई लगाएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन अगर किसी एक्सपर्ट ओपिनियन से वो लगाएंगे तो ये कॉस्ट भी आपको सस्ती पड़ती है और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी है। तो यही मैं कहना चाहूँगा एक्सपेंशन जॉइंट जो है ये दिस इज नॉट ए पार्ट, दिस इज ए ट्रीटमेंट एक्चुअली। तो इसमें एक कंसल्ट की ओपिनियन लेना, एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है और उसकी सलाह से ही, उसकी ओपिनियन से ही वहाँ कौन सा कितना मोटा, कितना हैवी ड्यूटी और कितनी मूवमेंट का लगना है वो उसी डिज़ाइन को ही वहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे लगाना चाहिए टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। सो ये एक धवन साहब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो बिल्डिंग का डिज़ाइन करता है, द हार्ट ऑफ द बॉडी, इट्स अ हार्ट ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर, देन द मैन्युफैक्चरर कंपनी जो इसमें बहुत सारी करीबन
150 के आसपास अलग अलग एक्सपांशन जॉइंट के टूल्स और सिस्टम रखते हैं, और एक कंसल्टेंट जैसे हम लोग हैं, वो सबका कॉम्बिनेशन होके सही प्रोडक्ट सही सेक्शन एक्सपांशन जॉइंट पे लगती है, देन इट विल बी द एब्सोल्युटली चीपियर। इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट्स ए एब्सोल्युटली इन्वेस्टमेंट फॉर लास्ट लॉन्ग सर्विस ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। अगर कुछ भी आगे पीछे होता है, कहीं अनफॉर्चुनेटली कोई नेचुरल कैलिमिनिटी होती है एक्सपांशन जॉइंट में, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा, या फिर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो भी योर बिल्डिंग विल बी सस्टेन एंड द लाइफ ऑफ द एंटायर लाइफ जो रह रहे हैं जितने लोग, वो सब 100% सेफ रह सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज ए इन ए वन लाइन, इट्स ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट फॉर लास्ट लॉन्ग टाइम। तो हर किसी को अच्छी तरह से समझ के इनसे राय लेनी चाहिए, हमें हमारी भी कोई ज़रूरत है तो ये पूछ के सही चीज़ को सही जगह पे यूज़ करके हम इंडिया को लीक प्रूफ और हेल्दी बना सकते हैं। थैंक यू। We provide waterproofing consultancy service pan India.